एस सी वर्मा सोल्यूशन चैप्टर 10 क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन क्या है? अ पार्टिकल ऑफ मास 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम अप टू 100 ग्राम आर केप्ट एट द मार्क 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर अप टू 100 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली ऑन ए मीटर स्केल। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल अबाउट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ मीटर स्केल। यहाँ पे अपने को एक मीटर स्केल गिवन है जिसमें मार्क्स कहाँ से कहाँ तक है, 1 to 100, और हर एक के ऊपर एक मास रख रखा है। यहाँ पे 1 ग्राम है, फिर यहाँ पे 2 ग्राम है, ठीक है। तो इसी तरह से तीसरे पे 3 ग्राम होगा, और 99 पे 99 ग्राम होगा, और 100 पे 100 ग्राम होगा, ठीक है। तो इस तरह से मास रख रखा है, और हमें पूछा है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी 50 से पास होने वाली लाइन, ये मार्क कितना होगा, 50 वाला, ठीक है। 50 से पास हो रहा है, ये मार्क 50 है, और यहाँ पे मास मान लो 50 ग्राम का रख रखा है, ठीक है। तो 50 ग्राम का मास रख रखा है और बायसेक्टर 50 से पास हो रहा है। यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, यानी इस तरह से रोटेट करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें कितना लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है ड्यू टू सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो कैसे करना, देखो ये 50 है तो ये क्या होगा, ये 49 होगा, ये क्या होगा, 51 होगा। इसी तरह से ये क्या होगा, 48, ये क्या होगा, 52, 47, 53, इस तरह से होगा कुछ, ओके। अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, देखो हमें पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला पॉइंट मास के लिए एम आर स्क्वायर होता है, जहाँ पे एम मास ऑफ डेड पार्टिकल आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होता है अगर एक पार्टिकल हो, अगर मल्टीपल पार्टिकल हो तो समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर। इस तरह से अपन सॉल्व करते हैं, ओके चेक करते हैं। देखो तो यहाँ पे मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस पे जो 50 से पास हो रहा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू दिस 50 ग्राम मास, इससे क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे 50 ग्राम से परपेंडिकुलर एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, जीरो। तो 50 ग्राम से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, जीरो होगा। अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 49 की वजह से कुछ होगा, 51 की वजह से भी कुछ होगा, 48 की वजह से भी कुछ होगा, क्योंकि ये सब क्या है, इस एक्सिस से दूर है, तो आर होगा और मास ऑलरेडी है, राइट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, लेकिन 50 की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो आएगा। तो देखो 49 और 51 का एक पेयर लेता हूँ मैं, 48 और 52 का एक पेयर लेता हूँ, 47 और 53 का एक पेयर लेता हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो 49 प्लस 51 कितना होता है, 100, 48 प्लस 52 कितना होता है, 100, 47 प्लस 53 कितना होता है, 100। तो इनका पेयर लेने से क्या होगा, अपने को थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो देखो मैं फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूँ जिसमें मैं 49 और 51 का पेयर लेता हूँ। तो देखो क्या है, एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, तो यहाँ पे एम वन आर स्क्वायर प्लस एम टू आर स्क्वायर, मैंने आर सेम रखा है, क्यों, क्योंकि देखो 49 का डिस्टेंस और 51 का डिस्टेंस सेम है, ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, हाँ एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, लेकिन स्क्वायर करने के बाद तो पॉजिटिव बन जाएगा ना, तो एक 1 सेंटीमीटर, दोनों 1 सेंटीमीटर, इसलिए मैंने आर सेम रखा। तो आंसर क्या आएगा, आर स्क्वायर एम वन प्लस एम टू, राइट। तो आर कितना मेरा 1, और एम वन प्लस एम टू 49 प्लस 51 कितना आ रहा है, 100। तो ये आ गया 1 स्क्वायर इंटू 100, राइट। ये आई वन है, ये एक पेयर का हुआ। अब मैं सेकंड पेयर की बात करता हूँ, सेकंड पेयर कौन सा, 48 एंड 52। तो देखो यहाँ पर भी सेम डिस्टेंस सेम है आर, और कितना डिस्टेंस, 2 सेंटीमीटर, और मास 48 और 52, तो सेम ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पे 48 प्लस 52 कितना हो गया, 100। इसी तरह थर्ड पेयर की बात करता हूँ तो क्या आएगा, 3 स्क्वायर इंटू 100। फोर्थ पेयर की बात करता हूँ तो 4 स्क्वायर इंटू 100। इस तरह से कितने पेयर बनेंगे, ये देखो देखो यहाँ से 1 to 49, तो 49 ये है, और यहाँ से 51 से 100, यानी ये 50 को क्वांटिटी कितनी, 50 है, तो यहाँ मेरे को सिर्फ 49 तक लेना है, तो ये 99 है, तो यहाँ से 51 से 99 ये चीज़ें 49 है, और 1 से 49 ये 49, तो 49 पेयर तो अपने ये बन रहे, कितने पेयर बनेंगे, 49। तो यहाँ पे इस तरह से डैश डैश कर देते हैं, तो 49 वाला बनेगा 49 स्क्वायर इंटू 100, राइट। 49 पेयर बन गए, बट ये 100 बच गया, क्योंकि यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे जो मास है वो टोटल 50 है, यहाँ पे 49 है, तो 49 इसके 49 इसके, तो एक पेयर बन गया, बट ये 50 बच गया। तो 50 की वजह से अलग सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू 50th पार्टिकल, ये 50th पार्टिकल, इसकी वजह से क्या आएगा, तो इसमें एम आर स्क्वायर आएगा, फॉर्मूला सिंपल, एम कितना है अपना, एम अपना 100, आर कितना है, आर अपना यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है, 50, राइट, 50 का स्क्वायर। तो ये आ रहा है 1 से लेके 50 तक, ये अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन सब का समीशन करें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई आ जाएगा, क्या आएगा, आई वन प्लस आई टू, सो ऑन, 50
ओके तो सबकी वैल्यू पुट करता हूँ मैं, तो 1 स्क्वायर इन 200 प्लस 2 स्क्वायर इन 200 इस तरह से क्या आएगा, 50 का स्क्वायर इन 200, राइट। कॉमन लेते हैं 100, तो क्या आएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इस तरह से 50 का स्क्वायर, राइट। ओके अब फॉर्मूला क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अब टू एन स्क्वायर का, इसका फॉर्मूला है एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई 6। फॉर्मूला अप्लाई करो, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो एन कितना है अपना, एन है 50, तो 50 फर्स्ट सेकेंड 50 प्लस 1 51, थर्ड 50 इंटू 200, 100 प्लस 1 101 बाई 6। इसको हम सोल्व करेंगे तो अपना जो आंसर आएगा, आंसर होगा 429 429250 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सीजीएस में आंसर आएगा। अगर हमें एसआई में निकालना है तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1/1000 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये दो जीरो यहाँ लग जाएंगे। अब सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1/100 करेंगे, लेकिन सेंटीमीटर का स्क्वायर करना है तो 1/100 × 100 यानी 1/10,000 करेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, देखो 1 2 3 4 यहाँ आ जाएगा पॉइंट, तो आंसर आ जाएगा 0.4, इसको मैं अप्रोक्स कर देता हूँ 3.3 kg m² ये आ जाएगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्लियर है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, फिर जो भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर और चैप्टर नंबर कमेंट कीजिए।